Hello, Gertzi people. Hope you are preparing well for your competitive exams. I know it takes a lot of hard work to prepare for competitive exams. Along with hard work, it also needs some smart work, some techniques, some tricks by which we can remember the things a bit easily. So, here I have come up with this video in which I'm going to tell you a trick by which you can remember the slope.

At times, the question is asked based on strain energy. Once in a competitive exam, it was asked the strain energy U stored due to banding of cantilever beam due to point load at free end will be dash. So many of you who are preparing for the exams would be knowing the answer. And if you are at the beginner level, then it's possible that you are not aware regarding this. बट द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू स्क्वेर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द ट्रिक बाय विच यू कैन रिमेंबर द स्लोप डिफ्लेक्शन स्ट्रेन एनर्जी फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स क्वाइट ईजीलीट्स जस्ट गेट स्टार्टिड अभी सबसे पहले एग्जाम में आप जब भी लिखेंगे तो बीम का जो सीक्वेंस है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि सबसे पहले हमारे आएंगे कैंटिलिवर बीम्स दैन सिम्पली सपोर्टेड बीम्स एंड देन फिक्सड बीम्स कैंटेलिवर बीम में भी आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा तो द कैंटेलिवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट देन कैंटेलिवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड देन यू डी एल देन यू एल उसके बाद सिंपली सपोर्टेड में सबसे पहला होगा सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड देन यू डी एल देन फिक्स्ड में होगा सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एंड सब्जेक्टेड टू यू डी एल तो ये सीक्वेंस बस चेंज मत करिएगा आप अभी जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट है मोमेंट लग रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे विल राइट एम अपॉन ई आई एक चीज़ हमेशा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में कॉमन रहेगी दैट इज़ एम अपॉन ई आई या तो फिर डब्ल्यू अपॉन ई आई जैसे मोमेंट लग रही है तो एम अपॉन ई आई आएगा और अगर लोड लग रहा है तो डब्ल्यू अपॉन ई आई आएगा जैसे यहाँ पे सेकेंड वन है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन ई आई हमें क्या याद रखना है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हर जगह W अपॉन ई आई जो रहेगा दैट विल बी कॉमन मोमेंट में M आएगा लोड लग रहा है तो W आएगा सो दैट विल बी कॉमन हर जगह आपको वही सेम लिखना है तो ऐसे करके आप लिख लीजिए W अपॉन ई आई हर लोड के लिए जैसे यहाँ लिखा वैसे ही सिंपली सपोर्टेड में भी होगा और फिक्स्ड में फिक्स्ड में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप फिक्स्ड में स्लोप की बात करें तो स्लोप वाला जो स्पेस है वो आपको ब्लैंक रख लेना है बाकी हर जगह पे आप डब्ल्यू अपन ई आई लिख लेंगे सो दिस इज़ वन कॉमन थिंग सबसे पहले ये बात की हमने डब्ल्यू अपन ई आई मैंने जैसे बोला फिक्स्ड वाले में हम लोग ब्लैंक रखेंगे फिक्स्ड में पॉइंट लोड हो या फिक्स्ड में यू डी एल हो विल कीप इट ब्लैंक बाकी हर जगह W अपॉन ई आई और जहाँ पे मोमेंट लग रहा है वहाँ पे M अपॉन ई आई देन टॉकिंग अबाउट आर सेकेंड थिंग तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि स्लोप जब है तो स्लोप में जो मैक्सिमम पावर होगा L का दैट विल बी थ्री और मिनिमम पावर की बात करो तो मिनिमम पावर विल स्टार्ट फ्रॉम वन वन से लेके थ्री तक मिनिमम पावर इज़ वन एंड मैक्सिमम पावर इज़ थ्री और डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन में एल का जो मिनिमम पावर है दैट इज़ टू एंड मैक्सिमम पावर विल गो टिल फोर तो अब हम लोग एल लिख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया मिनिमम पावर कितना है मेरा वन दैट इज़ एल रेस टू वन मतलब एल होगा तो क्या हो गया एम एल अपॉन ई आई हर जगह पे मैं पहले एल लिख लेती हूँ उसके बाद उसकी पावर लगा दूंगी तो आपको भी ये सेम पैटर्न फॉलो करना है पहले हमने एम बाई ई आई लिखा जहाँ पे M था वहाँ पे M एंड जहाँ पे लोड W लग रहा है वहाँ पे W फिर हमने लिख लिया L हर जगह पे अब हम लोग उसके पावर देखते हैं जैसे कि फर्स्ट वाले का पावर कितना हो जाएगा वन यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्लोप में मिनिमम पावर वन होगा इसलिए फिर सेकेंड वाले का टू थर्ड वाले का थ्री फोर्थ वाले का पावर भी थ्री ही रहेगा बिकॉज मैंने जैसे बताया मैक्सिमम पावर थ्री तक है वैसे ही डिफ्लेक्शन में अगर हम लिखे तो स्टार्ट करेंगे टू से फिर नेक्स्ट का होगा थ्री उसके बाद यू वाले का फोर और यू वाले का भी क्या होगा फाइव नहीं होगा फोर ही रहेगा तो यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया आपको सबसे पहले कैंटी लेबर का ही काम ख़त्म करना है उसके बाद हम सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड पे जाएंगे अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कोओिशियंट्स लिख रही हूँ ई के तो ई का कोओिशियट वन उसके बाद नेक्स्ट का कोओिशियंट टू उसकी राइट साइड पे डिफ्लेक्शन में हम देखें तो कोफिशंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम टू से फिर यहाँ हम देख रहे हैं टू प्लस वन या तो आप ऐसा सोचिए कि डिफ्लेक्शन का जो टू है उसमें मुझे वन ऐड करना है या तो फिर स्लोप का जो टू है उसमें वन ऐड करना है तो क्या आ जाएगा कोअफिशेंट थ्री आ जाएगा फॉर कैंटेलेवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई तो इतना काम हमारा खत्म हो गया एम एल अपॉन ई आई एम एल स्क्वेयेर बाई टू ई आई डब्ल्यू एल बाई टू ई आई डब्ल्यू एल क्यूब थ्री आई अब हम आते हैं यहाँ पे विच इज़ कैंटिलेवर बीम सब्जेक्टेड टू यू डी एल तो यहाँ पर मैं जैसे आपको एरोज करके दिखा रही हूँ तो जब मैं ये थर्ड वाले का स्लोप देख रही हूँ तो मुझे उसके क्रॉस में देखना है और जो भी मेरी दो वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर लेना है तो मेरी दो वैल्यूज़ कौन सी है टू एंड थ्री सो टू इंटू थ्री इज़ सिक्स वो मैंने सिक्स लिख लिया अब यहाँ की बात करते हैं थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन का कोफ़िशन कैसे मिलेगा तो वो देखिए उसके स्ट्रेट में देखिए और उसके ऊपर देखना है लेफ्ट साइड पर उसके स्ट्रेट में और उसके ऊपर मेरे पास दो वैल्यूज़ कौन सी दिख रही है मुझे सिक्स एंड टू इन दोनों का मुझे एडिशन कर लेना है तो एडिशन करेंगे तो सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा इट विल बी एट तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जब स्लोप देख रहे हैं हम लोग तो आपको राइट right साइड में देखना है और राइट right साइड में आप क्या देखेंगे उसके क्रॉस में तो उसके क्रॉस में देखा टू और थ्री दिख रहा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू इंटू थ्री इज सिक्स वो ई आई का कोओफिशियट बन गया स्लोप वाले के लिए उसके बाद हम देखेंगे डिफ्लेक्शन के लिए तो डिफ्लेक्शन में ई आई का कोओफिशियंट जब हमें देखना है तो डिफ्लेक्शन में आप लोग जब देखेंगे तब आप क्या देखेंगे इसके स्ट्रेट में और उसके एक ऊपर कौन सी डिरेक्शन में तो लेफ़्ट साइड में हमें देखना है तो उसके लेफ्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ है विच इज़ सिक्स एंड टू उन दोनों का एडिशन करना है जब आप राइट right साइड में देख रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तब एडिशन हो रहा है तो सिक्स प्लस टू इज़ एट तो हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ आ गई विच इज़ डब्ल्यू एल क्यूब बाई सिक्स ई आई एंड डब्ल्यू एल रेस टू फोर बाय एट ई आई सेम वे हम लोग नेक्स्ट के लिए भी लेके आएंगे जो हमारा फोर्थ वाला है विच इज़ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यू ई एल मैंने आपको जैसे बताया राइट right साइड पे क्रॉस में देखना है क्रॉस में दो वैल्यूज़ दिख रही है हमें एट एंड थ्री इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है तो एट इंटू थ्री इज ट्वेंटी फोर वो हो जाएगा आपका ई आई का कोअफ़िशेंट और जब डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो उसके स्ट्रेट में और उसके एक ऊपर मैं अलग पेन से ड्रॉ कर लेती हूँ एरो उसके स्ट्रेट में और उसके ऊपर इन दोनों का मैंने आपको बोला है एडिशन कर लेना है आपको तो ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स कितना हो जाएगा इट विल बी थर्टी सो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी ई आई तो हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ही मिल गए हैं फॉर आर फोर्थ केस जो कि कितना होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई विल बी योर स्लोप एंड डब्ल्यू एल टू फोर अपॉन थर्टी ई आई विल बी योर डिफ्लेक्शन तो ये तो हो गया कैंटेलिविर बीम अभी सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड बीम की बात करेंगे तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कैंटेलिवर बीम मैं जो आपने लिखा है डब्ल्यू एल स्क्वेयेर बाई ई आई डब्ल्यू अपॉन ई आई तो कॉमन ही था एल स्क्र और एल क्यूब जो आपने लिखा है फॉर कैंटिलवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड वही सेम आपको सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड में लिख लेना है दैट इज़ यू विल राइट वहाँ पर एल स्क्र एल क्यूब है तो एल स्क्वेयर एल क्यूब लिख लिया फिर नेक्स्ट एल क्यूब एल रेस टू फोर है जब कैंटिलेवर बीम इज़ सब्जेक्टेड टू यू डी एल तो सेम जब सिंपली सपोर्टेड इज सब्जेक्टेड टू यू डी एल वहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे एल क्यूब एल रेज टू फोर अब जैसे आपने सिंपली सपोर्टेड में लिखा सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड में एल क्यूब वैसे ही फिक्स्ड व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड वहाँ पे भी एल क्यूब ही आएगा एंड फिक्स्ड व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू यूडीएल तो सेम जो सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू यूडीएल में था सेम वही रहेगा विच इज़ एल रेस टू फोर अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड और उसका ई आई का कोफिशियंट क्या होगा तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड तो हम लोग पॉइंट के पी पे फोकस करेंगे क्यों ऐसा बोल रही हूँ बिकॉज पी जो है अल्फ़ाबेट वो कौन से नंबर पे आता है सिक्सटीन नंबर पे जैसे कि हमें पता है पी कम्स एट सिक्सटीन उसका जो नंबर होता है दैट इज सिक्सटीन सो पॉइंट लोड का पी हम याद रखेंगे पी कम्स एट सिक्सटीन तो इसका कोफ़िशन क्या हो जाएगा सिक्सटीन सो डब्ल्यू एल स्क्र अपॉन सिक्सटीन ई आई बस फिर एक बार ये आ गया उसके बाद आपको क्या करना है सिक्सटी इंटू थ्री मल्टीप्लाई कर लीजिए सिक्सटी इंटू थ्री क्या होता है इट इज़ फोर्टी एट सो फोर्टी एट जो होगा वो किसका कोऑफिशन बन जाएगा डिफ्लेक्शन के ई आई का दैट इज़ सिक्सटीन इंटू थ्री इज़ फोर्टी एट सो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा फोर्टी एट मतलब कि ये कितना हो जाएगा इट विल बी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई सो मुझे दोनों मिल गए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड डब्ल्यू एल स्क्वेयेर बाई सिक्सटीन ई आई एंड डब्ल्यू एल क्यूब बाई फोर्टी एट ई आई सिक्सटीन का मैंने जैसे आपको बोला आपको पॉइंट लोड पी से याद रखना है अब हम उसके बाद वाले की बात करते हैं विच इज़ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यू तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे है फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यू वही सेम आ जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यू के लिए तो आपने जो वहाँ पे आपको मिली है ई के कोफ़िशन की वैल्यू वो सेम यहाँ पे आएगी विच इज़ डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर अभी हमें क्या करना है इसके स्ट्रेट में और उसके ऊपर ये दोनों जो वैल्यूज़ मिली है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है कैंटिलेवर बीम के लिए मैंने आपको क्या बोला था लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ दिख रही हैं उनका एडिशन करना है और जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम में आते हैं तब हमें क्या करना है लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ दिख रही हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और जब भी डिनोमिनेटर में तीन डिजिट्स आ रहे हैं तब न्यूमरेटर में एक डिजिट आएगा आपको ऐसे याद रख लेना है तो न्यूमरेटर में वो जो एक डिजिट आएगा वो आप कैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके क्रॉस में देखना है विच इज़ वन सिक्स है तो हम हमें कर लेना है सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव तो ये मेरा कितना आ गया फाइव डब्ल्यू एल रेस टू फोर अपॉन थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर के लिए उसके स्ट्रेट और उसके क्रॉस में आपको देखना है सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फ़ोर किया हमने और क्योंकि नीचे तीन डिजिट्स आए विच इज़ थ्री एटी फोर तो ऊपर एक डिजिट आना ज़रूरी है आप ऐसे याद रखेंगे ऊपर एक डिजिट लाने के लिए उसके क्रॉस में जो है सिक्सटीन उसका करना है सिक्स माइनस वन विच इज़ फाइव फिर हम बात करते हैं जैसे कि फ़िक्स्ड बीम्स दोनों फिक्स्ड एंड्स जो है मेरे ए एंड बी ए बी बीम बोल देती हूँ मैं तो हमेशा जो फिक्स्ड बीम है उसमें स्लोप जो रहेगा दोनों एंड्स का दैट विल बी ज़ीरो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप प्लैंक रखेंगे बाकी अब ये दो बचे हैं इनके कोअफिशेंट्स लिखना बहुत आसान है बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम डिवाइडेड बाई फोर होगा और इसके लिए क्या होगा डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस मतलब अगर फिक्सड बीम पॉइंट लोड को सब्जेक्टेड है तो हमें देखना है डिफ्लेक्शन ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड जो कि कितना है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई तो ये फोर्टी एट को फोर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर्टी एट इंटू फोर इज़ वन नाइन्टी टू तो मेरा ई आई का कोऑफिशियंट फॉर फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड कितना हो जाएगा 192, नाइन्टी so सो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन वन नाइन्टी तो हमने क्या याद रख लिया इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम डिवाइडेड बाय 4. और जो फिक्स बीम है सब्जेक्टेड टू यू उसके लिए आपको देखना है सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यू जो कितना है हमारे पास रिफ्लेक्शन उसका फाइव डब्ल्यू एल रेस टू फोर अपॉन थ्री एटी फोर ई आई उसको आपको फाइव से डिवाइड कर लेना है मतलब फाइव फाइव कट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इट विल बी नीचे सिर्फ कोऑफिशन में रहेगा थ्री एटी फोर ऊपर कुछ नहीं आएगा तो डब्ल्यू एल रेस टू फोर अपॉन थ्री एटी फोर ई आई तो ये थी हमारी ट्रिक जिससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बहुत आसानी से याद रख पाएंगे अब साथ साथ में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के लिए भी देख लेते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी में आप देखेंगे डिफ्लेक्शन में जैसे एल स्क्वायर है तो एल का जो पावर है वो एम के सर पे डाल देना है आपको सिर्फ तो डिफ्लेक्शन में क्या था एम एल स्क्वायेयर अपॉन टू ई आई यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि डब्ल्यू बाई ई आई कॉन्स्टेंट रहता है मतलब हर एक में सेम रहता है वैसे ही यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ई आई अगर मोमेंट लग रही है तो एम स्क्वायर बाई ई आई और लोड है तो डब्ल्यू स्क्वेयर अपॉन ई आई वो सेम रहेगा जो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो आपको पाँच केसेस के लिए ही मेन याद रखनी है अब जैसे ये सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पे एल क्यूब है तो यहाँ पे आप एल क्यूब लिख लीजिए वो सेम रहेगा फिर यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है थ्री इंटू टू कर लीजिए थ्री इंटू टू इज़ सिक्स तो ये मुझे सेकेंड वाली जो मेरी वैल्यू है वो मिल गई जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था वो यही था सो द आंसर वो इज़ डब्ल्यू स्क्वायेर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई डिफ्लेक्शन में W था स्ट्रेन एनर्जी में W स्क्वायर हुआ तो टू ऊपर पावर में गया तो टू नीचे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो थ्री इंटू टू इज़ सिक्स ऐसे आप याद रख लेंगे फिर यहाँ पे आपको क्या करना है इसकी पावर वन से इंक्रीज़ कर देनी है तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल रेज़ टू फाइव अपॉन जैसे यहाँ पे फाइव इंक्रीज़ किया है वैसे यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो एट इंटू फाइव इज़ फोर्टी सो डब्ल्यू स्क्वायर एल रेज टू फाइव अपॉन फोर्टी ई आई तो कैंटेलिवर बीम के ये तीन केस की स्ट्रेन एनर्जी आपको याद रखनी होती है एंड देन कमिंग टू सिंपली सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड में ये दोनों केसेस की याद रखनी है हमें तो सिंपली सपोर्टेड में आपने एक बार कैंटिलिवर बीम का लिख लिया होगा वही सेम आप पहले कॉपी कर लीजिए क्या लिखा है आपने कैंटेलिवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड के लिए डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई लिखा है सिक्स के आगे सिक्स का उल्टा ऐड कर देना है विच इज़ नाइन तो क्या हो जाएगा इट विल बी डब्ल्यू स्क्वेयर एल क्यूब अपॉन नाइनटी सिक्स ई आई जो कि है स्ट्रेन एनर्जी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड डब्ल्यू स्क्वेयर एल क्यूब अपॉन नाइनटी सिक्स ई आई एंड वैसे ही अब हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यू डी एल के लिए तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यू डी एल की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू स्क्वेयर एल एस टू फाइव अपॉन फोर्टी ई आई है तो डब्ल्यू स्क्वायेयर एल रेज टू फाइव तो सेम ही रहेगा जो वैल्यू है मेरी विच इज़ फोर्टी उसमें आपको क्या कर लेना है फोर का आधा होता है टू फोर के आगे वो टू लगा दीजिए सो टू फोर्टी ई आई सो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायेयर एल रेज टू फाइव अपॉन टू फोर्टी ई आई सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द स्लोप डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेन एनर्जी फॉर द डिफरेंट केसेस ट्रिक्स की भी काफ़ी वीडियोज़ मिलती है तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो पकड़ के चलिए उसी ट्रिक को फॉलो करिए और उसी की प्रैक्टिस करिए जैसे कि अभी मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई है इस वीडियो में उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दैन आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक द टेबल विद इन टू एंड हाफ मिनट्स शायद कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी ज़्यादा जल्दी बना लेंगे ये टेबल बट जस्ट मेक श्योर that you are following a single trick Mind may clearly a trick hogi tabhi up se ye table pura banalenge multiple tricks yad rakhne zayenge, so you will get confused so my suggestion is just remember one technique or one trick and then keep practicing with this i end this video please don't forget to like the video and subscribe to my channel thank you